दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा प्रकसन अब हमारा आखिरी बचता है ऑस्कल्टेशन तो आइए आज हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन के बारे में बिफोर ऑस्कल्टेशन की पेशेंट की पोजीशन क्या होना चाहिए ऑस्कल्टेशन इफ वी वन टू ऑस्कल्टेट फ्रंट चेस्ट अगर हमको आगे से एग्जामिन करना है तो पेशेंट पोजिशन इज दिस इज द एडल पोजिशन अगर हमको एक्जिलरी एरिया को एग्जामिन करना है तो पेशेंट की पोजिशन इज जो हाथ होंगे सिर के ऊपर रहेंगे अगर हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट एग्जामिन करना है तो पेशेंट को हमको हाँ अपोजिट शोल्डर पे हाथ रखने के लिए बोलना है तो दिस इज द एक्सपोज एरिया दिस इज द दाइडल पोजिशन फॉर द ऑस्कल्टेशन ऑस्कल्टेशन के लिए हम लोग हमेशा नॉर्मल साइड से स्टार्ट करेंगे और एबनॉर्मल साइड की तरफ जाएंगे तो आइए हम देखते हैं ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं

अगर हम पूरे एरियाज को ऑस्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको इन दो एरिया को तो ऑस्कुलेट करना ही करना है तो नॉर्मल अगर हम नॉर्मल ऑस्कुलेटरी साउंड की बात करें तो नॉर्मली इज़ वेसिकुलर ब्रस्ट साउंड एंड हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोल स्पेस एंड इंटरेस्कुलर एरिया में हमको ब्रोंको वेसिकुलर साउंड नॉर्मली मिलती है ऑस्कोलडेशन में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयर एंट्री तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रेथ साउंड इज़ द बेटर टर्म देन एयर एंट्री अगर कई बार पेशेंट ओवेज होता है जिसमें हमको ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट में एयर एंट्री नहीं है इसीलिए लिए ब्रेथ साउंड इज़ बेटर टर्म सबसे पहले हमें कमेंट करना है कि बायोलैटरल ब्रेथ साउंड प्रेजेंट है तो क्या डिमनिश है क्या नहीं है दोस्तों और ब्रेथ साउंड की हम बात करें तो नॉर्मल इज बेसिकुलर ब्रश साउंड एंड एबनॉर्मल इज ब्रोंकियल एंड एडवेंटिश साउंड आइए हम बात करते हैं ब्रोंक्यल साउंड की ब्रोंकियल साउंड को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में टिब्यूलर कैबरनस एंड एम्फोरिक टिब्यूलर साउंड इज हाई पिच एवं जो कैबरनस और एम्फोरिक है वो हमारे लो पिच साउंड होते हैं अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो कंसोलिडेशन एवं अपर बॉर्डर ऑफ प्रोलिफ्यूजन में हमको मिलेगा टिबुलर ब्रश साउंड कैविटी में मिलेगा हमको कैबरनस एवं न्यूमोथोरेक्स विथ ब्रोमको प्लर फेस्टूला में हमको मिलेगा एम्फोरिक ब्रेस साउंड अगर हम बात करें एडवेंटिशियस ब्रेस साउंड की तो एडवेंटिशियस को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में इट मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ये हाई पिच है या लो पिच है अगर हाई पिच है तो हम इसको बोलते हैं वीज लो पिच है तो इसको हम बोलते हैं रोंकाय नॉर्मली है. वीज और रों इज द सेम थिंग बट वीज इज द वीज मतलब कि हम जिसको बिना स्टेथो की सहायता से सुन पा रहे हैं इफ रोंई इज विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप दैट इज वीज एंड रोकाई वीज को हमने अगेन डिवाइड किया गया दो पार्ट में मोनोफोनिक एंड पॉलीफोनिक पॉलीफोनिक एग्जाम्पल की हम बात करें तो अस्थमा सीओपीडी हाइपर सेंटिविटी न्यूमोनाइटिस चर्ग स्टॉफ सिंड्रोम ये इसके कुछ एग्जाम्पल है अगर मोनोफोनिक की बात की जाए तो फॉरन बॉडी ट्रेकियल स्टिनोसिस हो सकती है कोई मास हो सकता है इन केसेस में हमको मोनोफोनिक वीज मिलेगी अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूअस साउंड की तो इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में वन इज क्रेपिटेशंस और क्रेप्ट और रेल्स ये सभी एक ही नाम है दूसरा प्लूरल रब क्रेपिटेशंस को अगेन डिवाइड किया गया है दो पार्ट में कोर्स क्रेपिटेशंस एंड फाइन क्रेपिटेशंस कोर्स मीन्स काउंटेबल और जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे दैट इज फाइन देन अगेन हम लोगों ने इनको डिवाइड किया गया है अर्ली इंस्पिरेटरी, मिड इंस्पिरेटरी एंड लेट इंस्पिरेटरी फेज में अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करा जाए तो हमको मिलती है तो ब्रोंगे ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको अर्ली मिड एंड लेट क्रेफ्ट मिल सकते हैं अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, की तो इसमें वन पैथोग मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं बेलक्रो लेट टरी फाइन वाइबे दैट इज नोन एज बेलक्रो इट इज पैथोक् फॉर दल लंगीज अगला आता है हमारा प्लूरल कैन बी सी इन केस ऑफ दी इसके अलावा दोस्तों हमें कंसोलिटेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑस्कुलटिव फाइंडिंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकोफोनी इगोफोनी एंड डब्लू पी डिस्परिंग पेक्टोलिकी हम वन 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 करके हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करें ब्रोंकोफोनी ब्रोंकोफोनी का मतलब होता है इंक्रीज लाउडनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द साउंड ये हमको कंसोलिडेशन में मिलती है नेक्स्ट टर्म इज ईगोफोनी हम पेशेंट को बोलते हैं ई e बोलने के लिए और हमको सुना ही आता है ए ई टू ए दैट इज नोन एज ईगोफोनी इट इज आल्सो सीन इन केस ऑफ द कंसोलिडेशन नेक्स्ट इज डब्ल्यू पी बिस्परिंग पैक्टोलिकी बी आर टू पेशेंट फॉर दरिंग एंड बी कैन हियर लाउडली इज नोन एज एजरिंग पैक्टोलिकी तो ब्रोंगोफोनी इगोफोनी बिस्परिंग पैक्टोलिकी एंड ब्रोंकियल आर ब्रोंके कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ द कंसोलिडेशन अगले हम बात करते हैं सक्काशन स्प्लेस की आल्सो नोन एज हिपोक्रेटिक स्प्लेस इसके लिए सबसे तो पहले हम साइड आइडेंटिफिकेशन करेंगे स्टार्ट प्रकाशन फ्रॉम अबअप टू डायनोवर्ड यहां पर हमको रेजोल्यूशन डन लोड आएगी दट इज द एरिया फॉर प्रकशन एक्सप्रेस यहां पर हम स्टेटोस्कोप का डायफ्राम रखेंगे देन इफ देयर इज फ्लूड इन द

मेडिकल एजुकेशन वीडियो से संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए धन्यवाद